सेक्सी पंच परमेश्वर का आदेश। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव पुराण से एक कथाएं सुन रहे हैं। इसी वेला में मैं भी एक छोटी सी कथा लेकर आया हूं, शायद पसंद करेंगे। भगवान भोलेनाथ और माता सती कैलाश पर्वत पर आग मिचुनी का खेल खेलते हैं। क्या होता है? एक समय माँ गिरिजा के संग थे शिव शंकर भगवान, आँख में चोनी खेल रहे थे कैलाश पर्वत की बात है। बाबा भोलेनाथ बैठे थे कैलाश पे पार्वती के साथ। आज भगवान भोलेनाथ और माता सती में आग मिचुनी का खेल होता है। भगवान भोलेनाथ छिप जाते हैं, माता सती भगवान भोलेनाथ को ढूंढती है, परेशान हो जाती है और क्या कहने लग जाती है। होरी मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना। क्या कहने लग जाती है माता सती। वो मेरे नैना तेरे दर्शन को हे स्वामी आप कहाँ छिपे हो, मेरे नैना बेचैन हो। वो मेरे नैना तेरे दर्शन को हर पल तरसते वो हर पल ये तरसते हैं, पल पल ये तड़पते हैं। आज माता सती हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, भगवान भोलेनाथ को ढूंढ रही है। क्या होता है? वो मेरे नैना तेरे दर्शन को हर पल ये तरसते हैं।
क्या बात, हर पल ये तरसता पल पल ये तड़पते एक बार कहूंगा भैया, मुझे एक चीज की कमी महसूस हो रही है। ससुराल में जाओ तो चुलबुली सी साली अच्छी लगती है। ससुराल में जाओ तो चुलबुली सी साली अच्छी लगती है। भोजन पे बैठो तो थाली अच्छी लगती है। और अगर कोई शिव पुराण से कथा गाए तो उसके लिए ताली अच्छी लगती है। हर पल ये तरसते हैं, पल पल ये तरसते भोलेनाथ धोखे से मिल जाते हैं। माता सती ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ दिखते हैं, पीछे से आती है और भगवान भोलेनाथ की दोनों आंखों पे अपने हाथ रख देती है। क्या होता है, वो यू अखियां जैसे ही माता सती ने भगवान की दोनों आंखों पे हाथ रखा है, हाथ से पसीना निकल आया। वो यूं अखियां दबा के हाथों से वो आंखों में पसीना छूट यूं अखियां दबा के हाथों से अखियां दबा के हाथों से
माता सती और भगवान भोलेनाथ का यह खेल देखकर आज माता सती की एक सहेली आ जाती है और उसे भी विचार उत्पन्न होता है कि साथ खास मेरी भी शादी हो जाती तो मैं भी ऐसे कैलाश पर्वत पर खेल खेल की आग बिचूनी का क्या होता है। आज माता सती से कहने लग जाती है, सखी रात को भगवान भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे, क्या सच बात है? वो हाल सपनों का तुमको सुनाती हूँ मैं, मेरे सपने की बात बता रही हूँ। वो हाल सपनों का तुमको बताती हूँ मैं, वो उनका सपनों में आना गजब हो गया। आगे क्या कहने लग जाती है, और तो क्या बताऊं सखी सपनों की बात, और बेदर्दी और बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के मैंने तो सोचा था सखी अगर मेरे सपने में भगवान भोलेनाथ आए तो क्या सही में मुझसे शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होगा। आज क्या कहने लग जाती है सखी चित्रलेखा माता सती से, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। ओ रात वो मेरे सपने में आए, बात है सखी करीबन करीबन 12:30 बजे रात की बात है, ये रात को सपने में आते भैया बेदर्दी रे दगा दे के चले गए, रात वो मेरे सपने में आए, मेरे मन को वो बहलाए, ओ तो क्या बताऊ सखी सपने की बात। भैया आप तो बजा दो यार अगर मजा नहीं आया हो तो। बहुत ही सुंदर, आपका समय भी समाप्त हो गया भैया, क्या बात।